नमस्कार दोस्तों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये रिलेटेड है साइबर ठगी से। बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं साइबर ठगी के, और कभी भी होता क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं। अगर आपको जरा सा भी डाउट लगे कि ये लिंक सही नहीं है या इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, मिसलीड कर रहा है, कुछ भी ऐसा लगे, तो कभी भी किसी से पूछ लीजिए। आसपास आपके बहुत सारे जिनको नॉलेज है साइबर क्राइम की या साइबर ठगी की, या नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, बहुत सारे पुलिस वाले हैं, आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। तो कृपया करके कोई भी सोशल साइट से रिलेटेड इशू लग रहा है आपको, या आपको कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड लग रहा है, तो ज़रूर सूचना शेयर करें, ज़रूर पहले सलाह ले लें, है ना। क्योंकि सावधानी पहला बचाव है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो हम खुद ही हैं। अगर खुद ही सावधानी बरत लें तो ये नौबत ही नहीं आए, इस जगह तक हम पहुँचे ही नहीं। तो पहला बचाव क्या है, सावधानी अपना पहला बचाव है। तो सावधानी तो बहुत ज़रूरी है, सबको रखनी है सावधानी। थोड़ी सी सावधानी घटती है ना, और कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जो नया आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नया ट्रेंड ये है कि देखो, जब आप पार्सल मंगाते हो किसी भी कंपनी के थ्रू, ऐप के थ्रू मंगाते हो, तो पहले तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, सावधानी रखिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस पार्सल से रिलेटेड, कोई इशू आ रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई फ़ोन आ रहा है, तो आप उस ऐप में जाके कंप्लेंट करेंगे। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया, अब आपको उसको रिटर्न करना है, तो आप क्या करते हैं, ऐप में जाके साइज तमाम ऑप्शन रहते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद है इसलिए हम इसको रिटर्न करना है। एक बंदा आता है, लेके चला जाता है, आपका पैसा रिफंड हो जाता है। प्रॉपर तरीका यही है, करना भी यही चाहिए। जिस ऐप के थ्रू आपने परचेज किया उस ऐप के थ्रू आप जाइए, और हमेशा देखिए जो ऑथेंटिक ऐप्स हैं उन्हीं से खरीदिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे घूमते रहते हैं कि ये इतना सस्ता है, इसमें बॉस के आईफोन खरीद लिए, वो क्या कहते हैं, ईयरफोन खरीद लिए या शूज़ खरीद लिए, ये वो सब फर्जी है। आपको भेज तो देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन घटिया मटेरियल का प्रोडक्ट भेज देंगे आपको। तो आप उन साइट से भी परचेज मत करिए, जो एकदम ऑथेंटिक हैं उन्हीं से करिए। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया इस तरीके की, और एक टाटा का कुछ आया है नया, वो हुआ है ना, जो भी मतलब बहुत फेमस ऐप है उनके थ्रू, जिनकी जवाबदेही है। आपका प्रोडक्ट आएगा, आप वीडियो बना सकते हो कि सामने, मान लो आपने मंगाया कुछ, आया कुछ, तो आप उसको सामने वीडियो के साथ ही आप उसे अनबॉक्स कर सकते हैं, या रैपर है तो फाड़ सकते हैं, जो उसमें निकलेगा आप वीडियो अपलोड करके शिकायत के साथ आप दे सकते हैं, आपका डेफिनेटली रिटर्न हो जाएगा। ये तो होगी सावधानी की बात जो आपको रखनी है। अब ठगी कहाँ हो रही वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि मैक्सिमम क्या है, ये इम्पोर्ट कहाँ से होता है, चाइना से। सारी चीज़ें मैक्सिमम लगभग चाइना में बनती हैं। आपने कोई ड्रेस मंगाया इस टाइप का सिंथेटिक का, वो चाइना से आ रहा है, या मतलब कोई इस तरीके के शूज़ या फ़ोन या कुछ ऐसा मंगाया जिनका जो असेंबल चाइना में हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, बाया पोर्ट आएगा। तो पहले कहाँ आएगा, कलकत्ता आएगा, कलकत्ता पोर्ट पर आएगा। जैसे ही कलकत्ता पोर्ट पर आएगा, तो जो मैं जैसे आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस वाले मिले रहते, जैसे आपका ATM कार्ड घर पहुँचा नहीं कि आपके पास तुरंत फ़ोन आ जाए कि लाओ आपका ATM एक्टिवेट कर दूँ, जबकि बैंक कहती है कि हम आपको पीछे से पासवर्ड भेजेंगे, ठीक, तब आपको एक्टिवेट करना है, ना कि तुरंत करना है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता कि अरे यार अभी डिलीवर हुआ है, आ गया मेरा, तो इसका मतलब बैंक वालों को पता चल गया। कॉमन सेंस लगाओ, बैंक वालों को कैसे पता चल जाएगा कि आपको ATM घर आ गया, जो बंदा देने आया है पार्सल वो मिला हुआ है पार्सल वाला, वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। सेम यही पार्सल की कंडीशन है कलकत्ता पोर्ट के ऊपर। खास तौर पे मैं जितने केसेस देखा हूँ उसमें, इसमें पुरुष के काम है, मतलब मेरा कोई कहने का ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन महिलाओं के बहुत ज़्यादा आया। तो जैसे ही उनका पार्सल वहाँ आया, उस पार्सल आता तो पार्सल के फ़ोन नंबर मेंशन रहता, सबसे आसान इसी, फ़ोन नंबर चाहिए मेरे को, फ़ोन नंबर उस पर मेंशन रहता, तो वो वहीं से फ़ोन नंबर निकाल के कॉल करते हैं कि बहन जी आपका पार्सल आ गया है और इसमें आपको 500 रुपये और डालने होंगे, तो ये आपका जाएगा, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो भैया इतनी बुद्धि लगाओ, ये जिसके ऐप के थ्रू हमने मंगाया है ये उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है ये कि नहीं आ रहा है। और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो जो आएगा वो आपको डिलीवर करेगा। अगर उसमें कंडीशन मेंशन है कि आपको ट्रांसपोर्ट का पेड करना है, तो वो भी उसमें बढ़ के आएगा, और वो भी आपको घर पे ही पेड करना है, ऑनलाइन पेड नहीं करना है। भैया ट्रेन में भी हम लोग सोते थे,
तो जूतवा ना नीचे ना उठा के, जब स्टूडेंट लाइफ होती थी अगर जनरल बोगी में या थ्री टायर में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो जूतवा भी उठा के अपना सर के नीचे रख लेते थे कि कोई लेके नहीं जाए। करते थे ऐसा कि नहीं करते थे? मुफ्त में कोई जहर भी नहीं देता है। और हमारे लोग क्या करते हैं कि जैसे उधर से कॉल आई कि आपका पार्सल रुक गया है, बस आओ देखा नताओ आनंद फानन में, उसको तुरंत उसने जो जो बताया वो उन्होंने डिटेल दे दी उसको। फिर उधर से ओटीपी आई, ओटीपी भी दे दी। जैसे ही ओटीपी दी, मैसेज से निकलना पैसा शुरू हुआ और इनके धुक धुक घबराहट चालू हुई। फिर बताना शुरू करेंगे, सर मेरे पास मेरे साथ साइबर ठगी होगी, ऐसे ऐसे हुआ। तो कृपया करके सावधानी बरतें, कतई आप किसी को भी पार्सल के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई फेक नंबर से कॉल आ रही है उस पर सावधानी की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है, उनको कतई नहीं देना है। और कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो क्या करना है, प्रॉपर उस ऐप में जाके शिकायत करिए कि मेरा पार्सल कहाँ है। और आप उसमें इतना अच्छा सिस्टम है, आजकल ट्रैकिंग का सिस्टम होता है कि पार्सल वेयर हाउस से कब चला, रेडी हो गया वेयर हाउस गया, फिर वहाँ से आपके नज़दीकी किस वेयर हाउस में गया, फिर वहाँ से आपका डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है, उस डिलीवरी बॉय का फ़ोन नंबर भी रहता है। तो भैया ये जो झांसा है ना कलकत्ता वाला, उस पर मत जाइए, कृपया करके थोड़ा सा उस पर भी देख लिया करिए। उस नंबर को ट्रू कॉलर भी सुविधा है, उसको भी देख लिया करिए। सरकार अभी बना रही है सॉफ्टवेयर की, उसमें पता चल जाया करेगा, एकदम आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगा ये किसके नाम से नंबर है। तो जो फेक होंगे वो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। उसमें धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, कुछ ना कुछ लाने का तरीका निकाल रही है, बचने का तरीका लोगों को ठगी से। तो ट्रू कॉलर महाराज देख लीजिए, 200 आदमी उसको कम से कम स्पम किए होंगे, वो अलग दिख जाएगा कि ठग का नंबर है। कोई ठग से सेव किया होगा, कोई चोर से किया होगा, कोई ऑनलाइन ठग, तो आप ऐसे ही बच जाओगे। तो आओ ना देखा ताओ, ये रख दो भैया किनारे और कायदे से जिस ऐप के थ्रू लिए उस ऐप के थ्रू शिकायत करिए, अगर आपको डाउट होता है तो। अदरवाइज ये सिर्फ उनके नए नए तरीके हैं कैसे आपको ठगना है, कुछ तो आपको बहाना चाहिए ना। लॉकडाउन में दूसरे तरीके से था, अब इसका तरीका उन्होंने ये निकाल लिया है, पार्सल से ही वहाँ नंबर ले लेते हैं पोर्ट से। पार्सल डिलीवरी करने वाले लड़के उसमें मिले हुए हैं, उन्होंने नंबर दे दिया है, फ़ोटो खींच खींच के पार्सल पे जहाँ चिपका रहता है एड्रेस व्हाट्सअप करते जाते हैं, और वो जो बैठे हुए हैं वहाँ वो टक 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 करके आपको फंसाते रहते हैं। तो इस झांसे में कतई नहीं आइए, कोई पार्सल का पैसा नहीं लगता है। जो टर्म्स कंडीशन पहले ही हैं आप जो बुक कर रहे हैं वही है, एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं होता है। तो किस बात के लिए आप इस झांसे में आ जा रहे हैं, इस बात का मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चीज़ अगर डाउट लगे तो डेफिनेटली किसी न किसी से आप पूछ लीजिए, जिसको आप समझते हो कि ये मेरा गुरु है, इसको साइबर की नॉलेज है। कोई पुलिस अफसर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए करिए, या क्रॉस चेक कर लिया करिए। सावधानी ही पहला बचाव है, मैं हमेशा कहता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।